नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो तमाम साथियों को इस अवार्ड के लिए शुभकामनाएं जो भी इसमें चयनित हुए हैं, और मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम मनोज कुमार सामरिया, मेरे पिता का नाम श्री साधुराम सामरिया और मेरी माँ का नाम श्रीमती फूली देवी है। मैं सीकर ज़िले के श्री माधोपुर तहसील के छोटे से गांव लिसाड़िया में जन्मा हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी लिसाड़िया में ही हुई है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए मैं छोटे से कस्बे अजीतगढ़ में पढ़ने गया। जयपुर मेरी कर्मस्थली के रूप में है। कविताओं के प्रति रुझान मेरा बचपन से ही रहा है। विद्यालय स्तर पर ही मैं तुकबंदियाँ करने लग गया था और शुरुआत शेर व शायरी के रूप में हुई थी। मेरे जीवन का दृष्टिकोण सकारात्मकता है। हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक सोच को बनाए रखना ये जीवन का उद्देश्य है। माँ हिंदी की सेवा करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। इसके अलावा मैं रोवर स्काउट लीडर के रूप में भी विद्यालय में कार्यरत हूँ। वर्तमान में मैं वरिष्ठ अध्यापक के रूप में GR ग्लोबल अकेडमी बैनार रोड में कार्यरत हूँ। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में मुझे अनेक सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें महत्वपूर्ण सम्मान निम्न प्रकार से हैं: जन चेतना सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, और आंचलिक क्षेत्रीय बोली के लिए मुझे क्षेत्रीय बोली सम्मान प्राप्त हुआ, और फणीश्वरनाथ रेणु सम्मान से मुझे नवाजा गया। इसके अतिरिक्त भाषा सारथी सम्मान माँ हिंदी की सेवा के लिए मुझे दिया गया, और छंदों में विधान करने के लिए दोहा सम्राट सम्मान से भी नवाजा गया, और हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार संजीव वर्मा सलील सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त मैंने 4 साझा संग्रह भी प्रकाशित करवाए हैं। मेरी मौलिक पुस्तक जो कि प्रकाशित है बिखरे अल्फाज जीवन पृष्ठों पर, जिसमें कि विभिन्न रसों में मैंने अपनी कलम चलाई है। इसके अलावा संपादक के रूप में भी मैंने कार्य किया है। सहोदरी प्रेस नई दिल्ली की पुस्तक सहोदरी सोपान 4 का मैंने संपादन किया है। तो ये था माँ हिंदी की सेवा के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का निम्नतम ब्यौरा। मेरे जीवन का उद्देश्य है एक बेहतरीन इंसान बने रहना, जीवन में अहम को कभी भी आगे न आने देना। समाज के लिए मेरा संदेश है कि हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को जीना चाहिए। मैंने अपने ही अल्फाजों में कुछ कहा है, जो लिखा है कि यूं बेबस होकर कब तक जीना, मौत तो एक दिन आनी है। यूं बेबस होकर कब तक जीना, मौत तो एक दिन आनी है। जब तक जीना शान से जीना, मनु ने यह बात बखानी है, मनु ने यह बात बखानी है। बाधाएं श्रृंगार राह का इनसे टकराना होगा, ये बाधाएं श्रृंगार राह का इनसे टकराना होगा। जब तक जीना शान से जीना, मनु ने यह बात बखानी है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।